हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद शालू। दोस्तों, आजकल एक कॉफ़ी बहुत ट्रेंड में है, वो है डेलगोना कॉफ़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ बनाऊं। तो चलिए बनाते हैं डेलगोना कॉफ़ी। इसके लिए हमें चाहिए मिल्क, शुगर और कॉफ़ी पाउडर। बस तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए। तो ये है कॉफ़ी पाउडर, शुगर और मिल्क। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 स्पून कॉफ़ी पाउडर, 1 स्पून से ही सारी चीज़ें नापें, और करीब 2.5 चम्मच यहाँ पर चीनी ली हुई है, और 3 स्पून यहाँ पर गरम पानी चाहिए हमें। तेज़ गरम पानी डालेंगे। और यहाँ पर मैंने बीटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको किसी और चीज़ से भी बीट कर सकते हैं। आप स्पून से बीट कर सकते हैं, आप जिससे आप आसानी से बीट कर सकते हैं आप उससे इसको बीट कर सकते हैं, बस उसमें समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है तो इससे टाइम सेव होगा। तो ये देखिए, इसको इसी तरीके से बीट करते जाएंगे, और जैसे जैसे ये बीट होता जाएगा ये इसका कलर चेंज होता जाएगा, कॉफ़ी और लाइट कलर की होती जाएगी। और जब इसकी सॉफ्ट पीक्स बनने लगें तब आपको रोक देना है। इसका मतलब आपकी कॉफ़ी फिट चुकी है अच्छे से। बहुत अच्छे से इसको फेंटना है। ये देखिए इसकी पीक्स कितनी अच्छी बन रही है, जो इससे गिर नहीं रही हैं। इसका मतलब हमारा कॉफ़ी पाउडर अब बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट चुका है, और कलर देखिए बिल्कुल लाइट हो गया है। चलिए बस अब इसको सर्व करते हैं। 2-3 आइस क्यूब्स, अगर आप आइस क्यूब्स नहीं डालना चाहें तो मत डालिए। यहाँ पर मैंने दूध में थोड़ा सा शुगर मिला लिया है, अदरवाइज़ आपकी कॉफ़ी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये कप में दूध डालते हैं, आइस क्यूब्स डाला, और अब ये हमारी जो कॉफ़ी फेंटी है इसको ऊपर से आपको डाल देना है अच्छी तरीके से। इसकी एक लेयर बना देनी है, यानी मिल्क की लेयर नीचे, उसके ऊपर आपकी कॉफ़ी लेयर। ये देखिए हमारी डेलगोना कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके लिए हर्षिल सिरप का यूज़ किया है। आप चाहें तो कॉफ़ी पाउडर, चोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर, किसी भी चीज़ से इसको थोड़ा सा देखने में और अच्छा बना सकते हैं। तो ये हमारी डेलगोना फ्रॉथी कॉफ़ी पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब की शाम को इस कॉफ़ी का मज़ा लीजिए, खुद पीजिए, सबको पिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।